गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रोहित फ्रॉम अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट वर्किंग इन RPIT कॉलेज कैंपस का नाम। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड आज हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल या एग्जांपल सेकंड है फाइंड द एरिया। एरिया में जो फाइंड आउट करना अंडर द नॉर्मल कर्व, नॉर्मल कर्व के अंदर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो फर्स्ट केसेस मेरे पास क्या है, जेड इज इक्वल टू जीरो एंड जेड इज इक्वल टू 1.5। तो हमने कॉलेज में लेक्चर में भी हमने डिस्कस करा था दिस एग्जांपल। तो आज हम दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं फाइंड द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इन ईच फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस है जेड इज इक्वल टू जीरो एंड जेड इज इक्वल टू 1.5। तो एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व, भी हमें पता है नॉर्मल कर्व क्या किस टाइप का था। तो दिस टाइप का मेरे पास क्या था नॉर्मल कर्व, ये मेरे पास क्या है अबाउट, मेरे पास जो मीन है वो मेरे पास सिमेट्रिक रहता है। दोबारा देखो उसको, है ना, ये अबाउट मेरे पास जो मीन है वो मेरे पास क्या रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा। म्यू को हम हमें पता है मीन से डिनोट करते हैं, है ना, और म्यू से हम डिनोट करते हैं। बट एरिया के अंदर हम हमारा जो ये पॉइंट होता है ना, जेड इज इक्वल टू जीरो होता है, जेड इज इक्वल टू जीरो। और मुझे क्या फाइंड आउट करना, एरिया फाइंड आउट करना, फ्लोइंग केसेस क्या है, जेड इज इक्वल टू जीरो, द जेड इज इक्वल टू जीरो और जेड इज इक्वल टू 1.5। तो लेट कर लेते हैं हम दिस पॉइंट इज 1.5, जेड इज इक्वल टू 1.5। तो मुझे दिस एरिया मुझे क्या करना, फाइंड आउट करना, है ना, दिस एरिया जी। इसके लिए हम टेबल देखते हैं, जो हमारे पास टेबल गिवन थी उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, इस एरिया को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो मेरे पास क्या है, टेबल क्या थी, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, वी कैन फाइंड आउट द एरिया अंडर द फ्लोइंग कर्व, अंडर द फ्लोइंग केसेस। अंडर द फ्लोइंग केसेस के अंदर हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। और देखो जो दिस वैल्यू मेरे पास गिवन होती है ना, जो ये वैल्यू मेरे पास गिवन होती है, जेड इज इक्वल टू जीरो से लेके जेड तक, जेड की वैल्यू मेरे पास कुछ भी हो सकती है। तो अगर मैं लास्ट केसेस की बात करूँ, लास्ट केसेस में मेरे पास क्या था, देखो इसके अंदर मेरे पास क्या, जेड इज इक्वल टू जीरो एंड जेड इज इक्वल टू 1.5। इसका जो मेरे पास कर्व था क्या था, है ना, इस टाइप का था। जेड इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ पर क्या, जीरो, जेड इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ पर क्या, जीरो, और ये मेरे पास स्टेट पॉइंट ले लिया 1.5। ये पॉइंट मेरे पास क्या था, 1.5। इस एरिया को मुझे क्या करना, फाइंड आउट करना, दिस पॉइंट इज 1.5। तो ये मेरे पास जो एरिया है ये मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ टेबल। तो इसके लिए हम टेबल देखेंगे, जो टेबल थी मेरे पास क्या थी, देखो तो ये जो पॉइंट होता है जेड इज इक्वल टू जीरो होता है और ये मेरे पास है जेड, जेड कुछ भी हो सकता है, जैसे मेरे पास वहाँ पर क्या थी 1.5। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जीरो लेंगे, है ना, जीरो पर देख रहे हैं ना, जीरो से कहाँ से कहाँ लगा है, पॉइंट 1.5 तक, है ना, तो 1.5, तो जो मेरे पास क्वेश्चन था वो 1.5 था। जीरो लेंगे, जीरो से वन देखेंगे, वन पॉइंट, देखो मेरे पास क्या है 1.5। तो हम सबसे पहले लेंगे 1.5 और जीरो कहाँ है, दिस, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1.5 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 1.5 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, ये पॉइंट
4332। तो ये जो मेरे पास न्यूमेरिकल था पॉइंट 4332, ये मेरे पास इस एरिया की वैल्यू आ जाएगी, इस एरिया की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0.332। तो ये है द रिक्वायर्ड एरिया बिटवीन जेड इज इक्वल टू 0 से जेड इज इक्वल टू 1.5 इज गिवन 0.4332 फ्रॉम द टेबल, और भी टेबल हमने डिस्कस करा था। सेकंड देखते हैं मेरे पास क्या है, वही है मेरे पास जेड इज इक्वल टू मेरे पास क्या 0.51 एंड जेड इज इक्वल टू 0। तो जेड इज इक्वल टू 0 एंड माइनस के 0.51, तो माइनस के 0.51 जी सर। और मेरे पास यहाँ पर क्या है जेड इज इक्वल टू माइनस के ऑफ दिस, माइनस का क्या है 1.1 सर, माइनस का क्या था मेरे पास 0.51। तो ये जो वैल्यू है मेरे पास 0.51 ये ना 0.51 पे निकाली ना, हाँ 0.51। तो बट ये मेरे पास पॉजिटिव साइड है, तो 0.51 जितना उस साइड होगा उतने ही मेरे पास इस साइड होगा। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 0.51, या तो मैं देखो 0 से 0.51 निकाल लूँ, या मेरे पास निकाल लूँ 0 से जेड इजिकल टू 0 से लेके जेड इजिकल टू माइनस के 5। दोनों की वैल्यू मेरे पास क्या रहेगी सेम रहेगी, जितना एरिया इधर आएगा उतना ही मेरे क्या आएगा राइट साइड में आएगा, जितना लेफ्ट में होगा उतना ही मेरे पास क्या है राइट साइड में। तो बट जो मेरे पास जो टेबल गिवन है वो देखना मेरे पास पॉजिटिव साइड है ना, तो जो मेरे पास जो टेबल है वो मेरे पास क्या पॉजिटिव साइड, देखो ये रहा। तो जो एरिया ये देखो देखा 0 से लेकर दिस इन्फिनिटी तक मतलब पॉजिटिव साइड है, और मुझे वैल्यू निकालनी है 0.51। तो जेड इज इक्वल टू 0 से 0.5, सबसे पहले देखेंगे 0.5 ये रहा, उसके बाद देखेंगे 1 0.5, देखो इसके अंदर मेरे पास पहले यहाँ चलेंगे ये रहा 0 से, उसके बाद हम लेंगे 0.5 ये रहा, और उसके बाद लेंगे 1 ये रहा, ये आज वैल्यू आ जाएगी 0.1950 है ना 0.950 0.1950। तो ये रहा इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 0.1950। तो ये द रिक्वायर्ड एरिया था बिटवीन माइनस 0.51 से लेके जेड इज इक्वल टू 0 पर इज गिवन बाय 0.1950। तो अभी मैंने टेबल में भी दिखाया इसकी वैल्यू मेरे पास क्या थी 0.1950। तो थैंक यू आज के लिए इतना।